नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप YouTube क्रिएटर हैं या फिर YouTube पे काम करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि YouTube की कई सारी अपडेट्स आप सभी को आए दिन मिलती रहती है। तो उन्हीं अपडेटों में से मैं आज तीन अपडेट्स के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप उसका इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके चैनल के लिए बेनिफिशियल होगा और फिर आपके चैनल के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी होगा। वो तीन अपडेट्स क्या है पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जब आप अपने चैनल को खोलते हैं तो अपने क्रिएटर बोर्ड्स पे जाते हैं यानी कि डैशबोर्ड्स पे जाते हैं तो आपको कई सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि आपका कंटेंट का ऑप्शन आता है, मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आता है, इसके बाद आपके ऑप्शन आते हैं, अगर मैं बात करूं तो आप केयर नहीं करते होंगे तो एनालिटिक का ऑप्शन आता है, उसके ऊपर एक और ऑप्शन आता है जिस ऑप्शन का नाम है कमेंट्स एंड मेंशन। तो ये YouTube का एक नया अपडेट है, कमेंट्स एंड मेंशन। तो ये जो अपडेट आया है इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे कई सारे चैनल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी के साथ कोलैप्स किया तो कोलैबोरेशन के साथ क्या होता है कि वो जो है टाइटल में आपको टैग करता है, तो टैग करता है तो @ के साथ आपके चैनल का नाम डालता है तो वो चैनल आ जाता है। लेकिन कई केसेस में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है कि यार मेरे नाम से कौन बंदा जो है वो टैग कर रहा है। तो जो YouTube का नया अपडेट आया है उसमें आप कमेंट्स एंड मेंशन जो होगा उसमें वो आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग कमेंट्स कर रहे हैं जो कि आपको विजिबल नहीं हो पा रहा है, कौन से ऐसे वल्गर कमेंट कर रहे हैं जो हम अब देख नहीं पा रहे हैं या फिर अनवांटेड जो कमेंट्स होते हैं वो हम देख नहीं पाते हैं। तो वहां पर आप जाते हैं तो आपको जो कमेंट्स करते हैं जो कि आपके कमेंट बॉक्स में वीडियोस के विजिबल नहीं होता है लेकिन वहां पर विजिबल होता है ड्यू टू द सम वल्गर वर्ड्स, कुछ ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके चलते वो रिव्यू कर देता है, तो वहां पर आप जाकर पढ़ सकते हैं कि कौन कौन क्या कमेंट किया है। तो वहीं पर अगर आपको कोई मेंशन किया है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम चैनल पिंटू सिंह यादव है, अगर मुझे पिंटू सिंह यादव नाम से कोई मुझे जो है वो कहीं ना कहीं मेंशन किया है तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन यूट्यूबर जो है वो मेरे नाम को मेंशन किया, तो वहां पर ये जानकारी आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे अगर मैं पॉइंट्स की बात करता हूं तो वो है सबटाइटल। जैसे कि आप कार्ड स्क्रीन ऐड करते हैं या फिर एंड स्क्रीन ऐड करते हैं, कार्ड से ऐड करते हैं तो वहां पर जो है एक और ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलता होगा और वो ऑप्शन जो है वो क्या है, तो वो ऑप्शन सबटाइटल्स का है। यानी कि आप अंग्रेजी में वीडियो बनाते हैं और आप चाहते हैं कि हमारी अंग्रेजी वीडियोज़ को हिंदी वाली ऑडियंस जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए, तो वहां पर आप जो है टाइमिंग के अनुसार आप वहां पर सबटाइटल्स डाल सकते हैं, जिससे कि आप अंग्रेजी में अगर बात कर रहे हैं तो हिंदी ऑडियंस चाहती है कि उस चीज़ को देख लें तो वो उस सबटाइटल्स को पढ़ के आपकी पूरी वीडियोस को देख सकती है, या फिर वाइस वर्सा अगर मैं बात करूं तो अगर आप कोई वीडियोस हिंदी में बनाते हैं तो सबटाइटल्स अंग्रेजी में दे सकते हैं, यानी कि जो हिंदी ऑडियंस है वो तो समझेगी ही, इसके अलावा अंग्रेजी ऑडियंस अगर चाहती है उस वीडियो को देखना तो सबटाइटल्स के माध्यम से उसको अंडरस्टैंड कर पाएगी, जिसके चलते आपके वीडियोस का जो ग्रोथ होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और नंबर ऑफ ऑडियंस जो होती है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी के अलावा हिंदी या फिर हिंदी के अलावा अंग्रेजी की ऑडियंस भी पकड़ी जा सकती है, जिसके चलते आपका चैनल ग्रो हो सकता है। तीसरे पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है टैक्स इन्फॉर्मेशन को लेकर। टैक्स इन्फॉर्मेशन की फाइनल वार्निंग जो है आपके चैनल पे आ गई है। अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन है, आपके चैनल पर सब चीज़ हो चुका है, एडसेंस बन चुका है, तो टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है 31 मई लास्ट डेट है, फाइनल रिमाइंडर आ चुका है। तो जो लोग भी अभी टैक्स इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर नहीं भरे हैं वो जाएं और अपने फाइनल गूगल एडसेंस के माध्यम से वो अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन को भरें। मैंने भी इस पर वीडियो बनाया है, कहिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वहां से आप आसानी से जाकर अपने चैनल का जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है गूगल एडसेंस में जाकर भर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको नहीं भरते हैं तो फिर आपका वही टैक्स जो 24% है वो आपका कट जाएगा, तो फिर आपका 100 रुपये कमाते हैं 24 रुपये यूट्यूब ले लेगा, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है। तो आप जाइएगा, आप जरूर जो है गूगल एडसेंस के माध्यम से अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन को जरूर फिल कीजिएगा और फिर जो है आप अच्छा खासा पैसा जो सेव है वो कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है टैक्स इन्फॉर्मेशन, इसको आप जरूर कीजिएगा। तो ये कुछ तीन अपडेट थे, मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए। तो ये अपडेट कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कॉमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।